हम देखने वाले हैं अ ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग विद ओएचपी शीट्स। यस, ओएचपी शीट्स हम मोस्टली ग्लास पेंटिंग बनाने में यूज़ करते हैं। आज उसी को हम कुछ चेंजेस करके और एक ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अ ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग विद ओएचपी शीट्स। आज हम एक ग्लास पेंटिंग के थ्रू एक वॉल हैंगिंग बनाने वाले हैं। और आप पूछेंगे कि ग्लास पेंटिंग को हम वॉल हैंगिंग कैसे बना सकते हैं। इसको हम एक डिफरेंट हैंगिंग में बनाएंगे, आप उसको एज अ पेंटिंग नहीं बनाएंगे। ये ओएचपी शीट है, इसके थ्रू हम एक हैंगिंग बनाने वाले हैं। ओके, तो इसमें मैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बर्ड ड्रॉ की है, मैं बर्ड के थ्रू एक हैंगिंग बना रही हूँ, तो जिसको मैंने यहाँ पे इस पर फिक्स कर लिया है। और मैं इसको साइड से पेस्ट कर दूँगी ताकि मूव ना हो। और उसके लिए मैं यहाँ पे पेपर टेप यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैं साइड से नीचे फिक्स कर रही हूँ। ओके, और इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं क्ले। आपके पास अगर एयर ड्राई क्ले है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ जो मैंने आपको क्ले बनाना सिखाया था वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और अगर दोनों ही चीज़ नहीं है तो आप एमसील आती है एक, उसका भी यूज़ कर सकते हो एमसील का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्ले ले रही हूँ और क्ले की पतली सी लाइन बना रही हूँ इस तरीके से। और इस तरीके की लाइन्स को आपको बना के रखनी है और उसके थ्रू इसका बॉर्डर प्रिपेयर करना है, जिसके लिए मैं यहाँ पे फेविकोल के थ्रू इस क्ले को पेस्ट करती हुई चलूँगी। फेविकोल से पेस्ट कर देंगे हम इसकी आउटलाइन पे फेविकोल लगा रहे हैं और उसके थ्रू इस क्ले को पेस्ट कर रहे हैं। और ये आउटलाइन आप जितनी थिक रखना चाहें उतनी रख सकते हैं और डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है। यहाँ मैंने एक स्मॉल सी हैंगिंग ली है, स्मॉल डिज़ाइन बना रही हूँ, तो मैं अपनी इस क्ले की स्ट्रिप को भी पतला ही रख रही हूँ। ओके, और मैं इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा क्ले को कट कर दूँगी यहाँ से और इसको अब नेक्स्ट उसमें यूज़ करेंगे। इसी की तरीके से हम फिर से क्ले ले रहे हैं और ग्लू लगा के उसको पेस्ट कर रहे हैं। इससे ये थोड़ी सी हैंगिंग के लिए हैवी लुक हो जाएगा इसका, जिसको हम हैंग करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। ओके, ये हमारी इसकी शेप हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप इसको चाहो इस तरीके से। ठीक, ये शेप ले रही हूँ मैं और इसकी स्ट्रिप बना रही हूँ। आप इस तरह से इसकी और लाइंस बनाएंगे और इसको पेस्टिंग करेंगे। लाइंस आपकी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, कहीं से मोटी और पतली नहीं होनी चाहिए। ओके, और अब हम इसकी सेंटर लाइन पे भी ग्लू लगाएंगे और उसको पेस्ट कर देंगे। इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें कलरिंग वर्क करेंगे। जब हम ग्लास पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें ब्लैक लाइनर का यूज़ करते हैं हम, और इसमें हम उसकी जगह एयर ड्राई क्ले यूज़ कर रहे हैं और उसी से बॉर्डर बना रहे हैं। ठीक, और ये हमारा हो गया। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट पे भी ये लाइन लगा रहे हैं। आपकी जो ये स्ट्रिप है ये बिल्कुल सेम विड्थ की होनी चाहिए, इसकी मोटाई बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। और अब मैं इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर दूँगी इस तरीके से। आप सभी को याद होगा मैंने आपको एयर ड्राई क्ले बनाना भी बताया है, तो आप उसको भी बना सकते हो एयर ड्राई क्ले को। ये इस तरीके से यहाँ मैंने इसके कॉर्नर्स को फिनिशिंग दे दिए और अब हम इसके टेल के लिए बना रहे हैं। और ये यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया। अब हम इसके और
क्ले की लाइंस रेडी करेंगे। और आपको पता है किस तरह से इसको हम इक्वल करेंगे, इस तरह से जहाँ से आपको मोटा लगे उसको आप इस तरह से फिंगर से रोल कर देंगे। और ये मुझे बहुत पतला लग रहा है, इसको मैंने हटा दिया स्टार्टिंग का, और अब ये बिल्कुल सेम हो गया। तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जनरली हम अपनी वॉल पेंटिंग ही बनाते हैं ग्लास पेंटिंग में, जिसमें हम OHP शीट्स यूज़ करते हैं। आज हम इसके थ्रू हम एक हैंगिंग बना रहे हैं। यहाँ पे मैं इस तरह का कटर भी यूज़ कर सकती हूँ अपने क्ले को, एक्स्ट्रा क्ले को रिमूव करने के लिए। और अब हम इसके साइड्स में पेस्ट कर रहे हैं इसको। ये हमारा हो गया पेस्टिंग वर्क। और हार्ट मीन पेशेंस, पेशेंस के साथ आप वर्क करोगे तो बहुत अच्छे से वर्क होगा आपका। ठीक है, आराम से वर्क कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। मैं यहाँ बीक से स्टार्ट कर रही हूँ इसका, और यहाँ पे एक कट लेके इसको ऊपर की तरफ राउंड दे रही हूँ। इसकी शेप प्रॉपर आनी चाहिए, जो हमने नीचे ड्राइंग रखी है इसके उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक, और ये हमने इसको यहाँ से कंप्लीट कर दिया। और ऐसे ही अब हम नीचे की साइड से कंप्लीट करेंगे इसको। और यहाँ पे मैं एक एल्युमिनियम वायर का यूज़ करूँगी, इस तरह की वायर मैंने इसको शेप दे दी है। कोई भी इस तरह की वायर ले सकते हो, या फिर आप कार्डबोर्ड से भी शेप कट कर सकते हो। मैं इसका भी यूज़ बताऊँगी अभी इसमें, जिसको कि हैंगिंग करने के लिए, हैंग करने के लिए इसमें यूज़फुल रहेगा ये। इस तरीके से इसकी बीक यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद इसको राउंड शेप दे दिया यहाँ से, और इसको एक्स्ट्रा क्ले को कट कर दिया हमने। ये इसकी यहाँ से ऐसी शेप थी, ये हमने कट कर दिया इसको, यहाँ हमने मिक्स कर दिया। और अब हम इसके सेंटर का एक पॉइंट बनाएंगे। ये मैंने यहाँ एक वी शेप बना के और यहाँ पे लगा दिया है, जो कि इसकी बीक को एक सेपरेट लुक देगा, अलग से दिखेगी इसकी बीक। ठीक है, ये यहाँ तक मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। और अब हम सेंटर वाला पार्ट लगाएंगे, जो इसकी आईज के ऊपर से होता हुआ जाएगा कर्व शेप में, इस तरीके से। और अब एक सर्कल डॉट बना के उसकी आईज की प्लेस पे लगाएंगे। इस तरह से मैंने एक राउंड बॉल बना लिए, और यहाँ पे मैंने आईज की जगह लगा दिया। ठीक है, और अब हम नीचे का जो ये स्टेम है उसको भी कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। अब एक फ्रेश लाइन बना रही हूँ मैं फिर से क्ले की, और
एयर ड्राई के लिए यूज़ कीजिएगा, जिससे कि ये जल्दी ड्राई हो जाएगा। जो आप प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं वो डिफरेंट होता है, वो जल्दी से ड्राई नहीं होता है। ओके, उसमें टाइम लगता है ड्राई होने में। तो हम यहाँ पे एयर ड्राई के लिए, यहाँ पे मैं एमसील यूज़ कर रही हूँ, और आप एयर ड्राई के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद इसको मैंने यहाँ से कट किया और फिर से इसको जॉइंट कर दिया। मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि कौन सा पार्ट किस तरीके से करना है। और ये हमारा आगे से पोर्शन कंप्लीट हो गया है। और पता है, इस तरह की हैंगिंग्स जिस तरह से विंड चाइम होती है उस तरीके से यूज़ की जाएंगी। या आप इसको विंडो की जगह लगा सकते हो, विंडो में जहाँ ये मूव करती रहे। ओके, तो ये दोनों तरफ से कलरफुल शो होती है, आपको पता है पेंटिंग, तो उसी तरीके से ये भी दोनों तरफ से कलर विजिबल रहेगा। तो आप इसको कहीं भी ओपन एरिया में हैंग कर सकते हैं, जहाँ से दोनों साइड से विजिबल रहे। ओके, ये हमारा क्ले वर्क ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है, और इसको हम 2 मिनट ड्राई होने के लिए रख देंगे। ये हमारा धीरे से ड्राई होता रहेगा और ऑलमोस्ट थोड़ा ड्राई भी हो गया। तो अब हम अपना ब्लैक एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहे हैं अपने क्ले को कलर करने के लिए। ओके, तो मैंने यहाँ बहुत पतली वाली ब्रश ली है 0 नंबर, और उसकी हेल्प से मैं इस क्ले को कलर कर रही हूँ ब्लैक कलर। जिस तरह से आप ब्लैक आउटलाइनर यूज़ करते थे उसी तरह से ये एक 3D लुक देगा बस, और ब्लैक कलर में आपको लाइनर जैसे ही लगेगा। मैंने पॉइंटेड ब्रश लिया है 0 नंबर, जिससे कि ये ईजिली कलर भी हो जाए और हमारा कलर बाहर ना निकले, एक्स्ट्रा शीट पे ना लगे। आप पहले अपनी शीट को कट भी कर सकते हो, शीट को कट कर लीजिए उस शेप के अकॉर्डिंग, और फिर आप उसके कॉर्नर्स पे क्ले लगा लीजिए। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पहले इसको लगा लिया है और अब मैं कट करूँगी, क्योंकि मुझे कटर यूज़ करना है। अगर आप सीजर से कट करोगे तो उसमें गैप दिखेगा, इसलिए आप पहले उसको कट कर लीजिए और उसके कॉर्नर्स पे क्ले वर्क कर लीजिए। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कटर यूज़ करना है, कटर से एक्स्ट्रा शीट को कट करना है। तो मैं यहाँ पे अभी शीट कटने की और पहले क्ले का वर्क कर लिया है। इसकी आईज को ब्लैक कर रही हूँ मैं। एक ट्रेडिशनल चलता आ रहा है, जिस तरीके से पहले ग्लास पे हम पेंटिंग करते थे, अब उसकी जगह हम प्लास्टिक शीट यूज़ करने लगे हैं। बट वही सेम पेंटिंग होती है जिसको हम एक जगह स्टैंड कर सकते हैं, तो उसी को हम एक उसका एक चेंज कर रहे हैं, उसको बिल्कुल हम अलग तरीके से यूज़ करेंगे। कुछ हर एक्टिविटी में कुछ नया ऐड करना चाहिए हमें, तो उसी एक्टिविटी को चेंज करके आज हम हैंगिंग के रूप में बना रहे हैं।
जो कि बहुत अच्छी लगने वाली है, एक वेंचाइम की तरह। ये हमारा ऑलमोस्ट कलर हो गया है और साथ साथ ड्राई भी होता जा रहा है बहुत जल्दी। क्ले अभी हमारा थोड़ा सा वेट है, ग्लू वेट है और ये भी ड्राई हो जाएगा। जहाँ से भी आपको लगे कि कलर नहीं हुआ, अच्छे से फिनिशिंग दे दीजिए। ये पूरा हमने इसको कंप्लीट कर दिया है और अब हम अपने ग्लास कलर्स यूज़ करने वाले हैं। जो आप ग्लास पेंटिंग में यूज़ करते हो वही कलर, सेम कलर हम इसमें यूज़ करेंगे। डन। अब मैं अपने कलर को हटा देती हूँ यहाँ से और अपने ग्लास कलर्स रिमूव करती हूँ। आप इसको कलरफुल बर्ड बनाएंगे तो जो कलर्स आप यूज़ करना चाहें उनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपने कलर्स यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ रेड कलर ले रही हूँ, जिसको यहाँ मैं हल्के हल्के से स्प्रेड करना स्टार्ट करूँगी और इसके साथ मैं टू कलर मर्ज भी कर सकती हूँ। पिंक कलर और यहाँ पे अब मैं नीचे ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली बहुत दिन हो गए हैं इसलिए मेरे कलर कुछ ड्राई हो गए हैं, बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं कलर। नीचे मैं ब्राउन यूज़ कर रही हूँ, आप ग्रीन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसकी बीक में भी मैं ब्राउन दे रही हूँ। यहाँ पर मैं एक सिंगल लाइन लगा रही हूँ टू कलर्स मिक्स करने के लिए, इस तरीके से, ओके। और अब हम जो हमारा पिंक कलर था उसको यूज़ करते हुए नीचे के हाफ पोर्शन में मैं पिंक कर रही हूँ। इसको मैंने यहीं पे छोड़ दिया, पिंक कलर की बर्ड बन रही है हमारी है। और इसके साथ में थोड़ा सा ग्रीन कलर मिक्स कर रही हूँ मैं, जो हल्का ड्राई हो गया मेरा। और इसको मैंने यहाँ पे पिंक के साथ मर्ज कर दिया और पिंक कलर भी मैं यहाँ पे मर्ज कर देती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और अब हम एक और शेड लेते हैं इसमें से, यहाँ मैंने स्काई ब्लू कर दिया है और अब ऊपर मैं फिर से पिंक कर रही हूँ। और इन कलर्स को यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट हमारी ये बर्ड रेडी है। अब इसको हम ड्राई करेंगे और उसके बाद हम इसको कट करेंगे। हमारे कलर अभी वेट हैं, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ और आपको शो करती हूँ कि कितनी ब्यूटीफुल बर्ड लग रही है ऑन बोथ द साइड। दिस इज OHP शीट, ओके। तो मैंने ये अपनी जो ड्राइंग थी वो नीचे से रिमूव कर दिया और अब आप देखिए कि ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है और ये दोनों तरफ से कलरफुल लग रही है, ठीक है। अब हम इसको, जब तक ये ड्राई हो रही है, मैं इसको कट कर देती हूँ। अपना कटर यूज़ कर रही हूँ कटिंग के लिए और आप इसको पहले कट कर लीजिएगा और उसके बाद इस पर अपना क्ले वर्क कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा इजी हो जाएगा। एक्चुअली मेरे पास ये वाला कटर है तो मैं पहले कटिंग नहीं कर रही थी, इससे हम इस कॉर्नर तक इजीली कट कर सकते हैं, ओके। तो अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ।
आप इसके सूखने का वेट कीजिएगा और उसके बाद अपना वर्क स्टार्ट कीजिएगा। अब मैंने अपनी ये बर्ड को कट कर लिया है कटर और सीज़र की हेल्प से, और यहाँ पे मैंने एक वायर ली है और उसको इस तरह से राउंड शेप दिया है और ब्लैक पेंट कर लिया है अपना, और उसको इसके अकॉर्डिंग, इसके साइज़ के अकॉर्डिंग बैंड कर लिया। आप देखेंगे इसको इतना बैंड किया है कि ये इसकी पूरी बॉडी को टच करे दोनों तरफ से, ताकि मैं इसके साथ इसको पेस्ट कर पाऊँ यहाँ पर। और अब मैं हॉट ग्लू गन की हेल्प से, या फिर आप बॉन्ड आता है जो फैवी बॉन्ड, उससे भी कर सकते हैं, और इसको अब हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ अपने हॉट ग्लू गन की हेल्प से। और ये बहुत इजी होती है यूज़ करनी, बट आप अपने पेरेंट्स के हेल्प के साथ ही इसको यूज़ करें और अपने आप इसको यूज़ ना करें। ठीक है, अकेले आप यूज़ नहीं करेंगे इसको। और देखिए मैंने इसको इसकी हेल्प से पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और ये 2 मिनट में बिल्कुल अच्छे से इसे पेस्ट हो जाएगा। और हमारा ये इस तरह से हमारी ये बर्ड रेडी हो गई है। आप इसको हैंगिंग की हेल्प से या फिर किसी ब्यूटीफुल सी वूल की हेल्प से, रिबन की हेल्प से इसको हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये इस तरह की सुंदर सी वूल है, तो मैं इसको यहाँ से नॉट लगा रही हूँ और इसको हम कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं, विंडो में या जहाँ पे एयर होती है वहाँ पे, जिससे कि अच्छे से दोनों तरफ से मूव करती रहेगी और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। ओके, तो आई होप सभी को पसंद आया होगा ये, और बनाइए और मुझसे शेयर कीजिए। कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझको बताइए, ताकि हम साथ मिलकर उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकें। क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इसको एज अ ग्लास पेंटिंग यूज़ किया था, और आज हमने उसमें कुछ रिनोवेशन किया है, कुछ चेंजेस लाए हैं, कुछ अपनी क्रिएटिविटी ऐड ऑन की है और इसको एक हैंगिंग बनाने के लिए सोचा। ठीक है, इट्स अ न्यू आइडिया, तो हम इसको हैंग करेंगे अब इस बार और अपनी डेकोरेशन को और कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।